हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि न्यूजीलैंड टूर ऑफ पाकिस्तान चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी जो है 5 T20 मैचेस खेले जा चुके हैं, जिसमें से 2 जीते पाकिस्तान ने, 2 जीते न्यूजीलैंड ने और 1 मैच अबेंडेंट हो गया था बारिश की वजह से। तो इक्वल रहा T20 के मैचेस तो, बट अब आ गए हैं ODI मैचेस। 5 ODI मैचेस खेले जाएंगे दोनों टीम्स के बीच, और पहला ODI मैच खेला जा रहा है, देख सकते हो, 27 अप्रैल 2023 शाम को 4 बजे, वो भी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं मैचेस, क्योंकि आप देखोगे पहले के स्टार्टिंग के मैचेस में न्यूजीलैंड कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही एक मैच अबेंडेंड हुआ था उसके बाद दोनों मैचेस में तो न्यूजीलैंड ने जीत हासिल करी काफ़ी अच्छी। तो वहीं से हमें पता चल गया कि न्यूजीलैंड अब आ चुका है फॉर्म में, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इतनी ईजिली अब ये जीतने नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान टीम है, क्योंकि हम सबको पता है पाकिस्तान के पास बैटर्स और बॉलर्स दोनों ही काफ़ी कमाल के हैं। अगर इनके बैटर्स की बात करो तो रिजवान है, बाबर है, सैम अयूब है, इफ्तिकार अहमद है, इमाद वसीम है, सब के सब मिलके यहाँ पर स्कोर बना रहे हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आज यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने वाली है, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में तो IPL चल रहे हैं और इनके जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, जैसे कि मिचेल सैंटनर है, डेवन कॉनवे है, केन विलियमसन को तो इंजरी हुई है तो वो तो नहीं खेल पाएंगे, और वहीं फिन एलन है, ग्लेन फिलिप्स है, तो देख सकते हो इतने सारे प्लेयर्स न्यूजीलैंड के इस समय अवेलेबल नहीं हैं न्यूजीलैंड की इस सीरीज़ के लिए, क्योंकि वो सब खेल रहे हैं IPL में। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर आज कमज़ोर पड़ सकती है न्यूजीलैंड की टीम ODI मैचेस में, क्योंकि T20 में तो चलो देर आए दुरुस्त है, लास्ट में आके 2 मैचेस जीत लिए, बट ODI में काफ़ी मुश्किल होने वाला है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि हम सबको पता है 50 ओवर का मैच है। तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को टिकना पड़ेगा और फिर रन्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम सबको पता है 50 ओवर में तो इतना इजी नहीं होता है ना खेलना, क्योंकि जितना लॉन्ग फॉर्मेट उतना मुश्किल होगा वहाँ पर खेलना। जैसे हम सबको पता है कि टेस्ट मैचेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जम कर खड़े रहना, बॉल्स को जो है ना खेलते रहना, ये नहीं कि फटाफट रन बनाए और आउट हो गए। और वैसे ही ODI में भी हम सबको पता है कि लॉन्ग फॉर्मेट है 50 ओवर का, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन को टिकना पड़ेगा विकेट के आगे और जल्दी से आउट तो बिल्कुल नहीं होना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए आज का मैच, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं वो सब गए हुए हैं IPL खेलने। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं फर्स्ट ODI की मैच की बात यहाँ पर। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मैं पिच रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, लास्ट मैचेस, हेड टू हेड टीम एनालिसिस, और उसके बाद टीम कंपैरिजन, प्लेइंग 11, ड्रीम 11, टॉस प्रेडिक्शन और विनिंग प्रेडिक्शन, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वहीं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि IPL का हमारा टारगेट तो है 50 लाख का प्रॉफिट अर्न करना। इससे पहले PSL में भी 15 लाख का प्रॉफिट अर्न का टारगेट रखा था और 25 लाख प्रॉफिट अर्न किया था, और IPL में भी ऐसा ही होने वाला है। ढेर सारा प्रॉफिट ऑलरेडी हम अर्न कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी 30 से भी ज़्यादा मैचेस खेले जा चुके हैं IPL के, हम सबको पता ही है। और अगर आप भी IPL में प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो ना, तो टेलीग्राम फटाफट से ज्वाइन कर लेना। और एक और चीज़ बता देती हूँ आपको कि हमारे टेलीग्राम पर जैसे ही टॉस अपडेट होता है, प्लेइंग 11 आती है, तो हम आपके लिए जो है ड्रीम 11 वहाँ पर शेयर कर देते हैं, प्लेइंग 11 में अगर कोई चेंजेस वगैरह होते हैं उनके बेसिस पे। वहीं अगर आपको IPL में प्रॉफिट अर्न करना है एंट्रीज से, तो वो भी हम आपके लिए करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर लाइव बैठते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए, आपको सारे पूरे मैच में गाइडेंस देते हैं एंट्रीज की, कि आपको क्या करना है क्या नहीं, और फिर आपका करवाते हैं ढेर सारा प्रॉफिट। हम भी करते हैं, आप भी करते हैं हमारे साथ, और अगर देखना हो ना कि कितना प्रॉफिट अर्न कर लिया, कैसे किया, कब किया, तो वो सब भी जो है प्रूफ अवेलेबल है टेलीग्राम पर ही। तो टेलीग्राम पर जाके देख लेना और टेलीग्राम ज्वाइन ज़रूर कर लेना, और आप भी ढेर सारा प्रॉफिट अर्न करो हमारे साथ मिलकर। अब बढ़ते हैं आगे, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रावलपिंडी स्टेडियम की पिच के बारे में। तो रावलपिंडी पर मैच होने वाला है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो स्कोर्स तो बनते हुए नज़र आने वाले हैं। और वहीं आपको पता है कि 50 ओवर का मैच है ना, तो 200+ का स्कोर, 280+ का स्कोर हमें आराम से देखने को मिलेगा, अगर प्लेयर्स थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में रहे। लेकिन अगर प्लेयर्स फॉर्म में नहीं रहेंगे तो हम सबको पता ही है कि कौन ही रन बनाएगा, फिर बाहर से जाके तो कोई बनाएगा नहीं ना। तो प्लेयर्स को यहाँ पर रन बनाने का अच्छा खासा मौका है, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो रन्स बनाने का मौका उनको मिलेगा। वहीं पेसर यहाँ पर इनिशियल ओवर में काफ़ी काम आते हैं, तो पेसर्स
विकेट निकालते हुए नजर आएंगे, स्पिनर्स भी निकालेंगे विकेट, लेकिन थोड़ा सा मैच जब आगे बढ़ जाएगा ना तब यहाँ पर स्पिनर्स विकेट निकालेंगे। वही बाउंड्री की बात करोगे तो 75 यार्ड की बाउंड्री है, तो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज भी लगती हुई नजर आएंगी। वहीं आप देख सकते हो कि बैटर्स को भी फ़ायदा है, पेसर्स को भी फ़ायदा है, स्पिनर्स को भी फ़ायदा है, और वहीं बाउंड्रीज भी जो है लगती हुई नज़र आने वाली है। 4 और 6 लगेंगे यहाँ पर, और वहीं 50 ओवर का मैच है ना, तो 280 प्लस का स्कोर हम सबको देखने को मिलने वाला है। बस ये होगा कि प्लेयर्स थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में रह के खेलें ना, तो आराम से स्कोर बनेगा, पिच उनकी हेल्प करेगी यहाँ पर स्कोर बनाने में। तो ये हो गई हमारी पिच रिपोर्ट। आगे बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर्स की। तो पेसर्स ने लास्ट के 10 मैचेस में देखोगे 70% विकेट्स निकाली हैं और स्पिनर्स ने निकाली हैं 30%। तो कहीं ना कहीं पेसर्स थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर काम आएंगे हमारे विकेट निकालने में, स्पिनर्स भी आएंगे पर थोड़े से कम आएंगे एज कम्पेयर टू पेसर्स। और कौन से पेसर्स स्पिनर्स लेने हैं आपको अपनी ड्रीम इलेवन में, उसके बारे में भी अभी आगे बात करूंगी मैं आपसे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे यहाँ पर और बात करते हैं पाकिस्तान के लास्ट 3 मैचेस के बारे में। तो देखोगे पाकिस्तान ने तो अपने लास्ट ODI सीरीज भी देख सकते हो न्यूजीलैंड के साथ ही खेली है, और अब फिर से एक नेक्स्ट आ गई है न्यूजीलैंड के साथ खेलने ही। वहीं आप देखोगे लास्ट के मैचेस में अगर बात करना है तो 3 ODI मैचेस में से आप देखोगे 2 हार गई थी पाकिस्तान और सिर्फ 1 ही जीत पाई थी। और यहाँ पर अगर T20 की बात करूँ ना, न्यूजीलैंड के साथ जो खेले हैं अभी पाकिस्तान ने, वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि स्टार्टिंग में तो पाकिस्तान अच्छा खेल रही थी, जीत रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े ना, वैसे वैसे पाकिस्तान का परफॉर्मेंस जो है ना डाउन चला गया और न्यूजीलैंड ने बाजी मार कर जो है मैचेस जीत लिए। वहीं आप देखोगे इन ODI मैचेस की अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की, तो 3rd मैच में आप देख सकते हो पाकिस्तान ने 280 बनाए 9 विकेट्स के नुकसान पर, जिसको चेज कर लेता है न्यूजीलैंड 281 बना लेता है, वो भी 48.1 ओवर में ही। और ये मैच पाकिस्तान 2 विकेट से हार जाता है। नेशनल स्टेडियम कराची पर मैच खेला गया था, तो देख सकते हो इन्हीं के होम ग्राउंड पर मैच हुआ था, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमज़ोर रह गए। और वहीं देखोगे टारगेट भी कुछ ज़्यादा बड़ा खास नहीं दिया था, 50 ओवर का मैच था। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि बैटिंग फ्रेंडली पिच है हमारी, पिच पर तो अच्छे खासे स्कोर बनेंगे। वहीं आप देखोगे 280 का टारगेट इन्होंने दिया था, तो यहाँ पर भी आपको 280 प्लस 280 इतना टारगेट देखने को आराम से मिलेगा ही। इससे पहले आप देखोगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ ये सेकंड वाला, यहाँ पर न्यूजीलैंड ने बैटिंग फर्स्ट करी, 261 बनाए 10 विकेट्स के नुकसान पर 49.5 ओवर में। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग तीनों मैच में अच्छी रही है, क्योंकि 3rd में भी देखोगे न्यूजीलैंड की 8 विकेट्स निकाली हैं, 2nd में 10 विकेट्स, और जो फर्स्ट हुआ था वहाँ पर 9 विकेट्स। लेकिन कमी आई तो वो आई रन्स बनाने में, रन्स नहीं बना पाई थी पाकिस्तान। सेकेंड मैच पर वापस आते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान ने 182 बनाए 10 विकेट्स के नुकसान पर 43 ओवर्स में, और ये मैच पाकिस्तान 79 रन से हार गई। नेशनल स्टेडियम कराची पर ये मैच खेला गया था, तो देख सकते हो 261 का ही टारगेट दे पाई थी न्यूजीलैंड, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था यहाँ पर। क्योंकि अगर हम ODI की बात करते हैं तो 280 प्लस का स्कोर ही हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि 50 ओवर्स तक जो है गेम चलता है हमारा। लेकिन न्यूजीलैंड भी देखोगे 49.5 ओवर्स तक भी सिर्फ 261 रन्स ही बना पाई, जिसको पाकिस्तान चेज भी नहीं कर पाया। मतलब न्यूजीलैंड ने भी कुछ ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं दिया और पाकिस्तान से तो चेज वो हुआ ही नहीं। फिर भी इससे पहले आप देखोगे न्यूजीलैंड ने 255 का टारगेट दिया था 9 विकेट्स के नुकसान पर, और पाकिस्तान इसको चेज कर लेता है, 258 बनाता है 4 विकेट्स के नुकसान पर, और मैच जीत जाती है पाकिस्तान 6 विकेट से। नेशनल स्टेडियम कराची पर यह मैच खेला गया था, तो देख सकते हो काफ़ी अच्छे मैचेस खेले यहाँ पर वैसे तो पाकिस्तान ने और न्यूजीलैंड दोनों ने ही। क्योंकि आप देखोगे अगर बात करूँ ना मैं लास्ट मैचेस की, तो पाकिस्तान ने वैसे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर तो पड़ी गई थी न्यूजीलैंड के आगे, क्योंकि न्यूजीलैंड देख सकते हो लास्ट के 2 मैचेस ले गई थी अपने नाम। वहीं देख सकते हो पाकिस्तान रह गई यहाँ पर, चेस करके भी हार गई और बैटिंग फर्स्ट करके भी हार गई यहाँ पर। बट कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी यहाँ पर न्यूजीलैंड कमज़ोर पड़ने वाली है, क्योंकि हमने देखा ही है कि फिन एलन, डेवन कॉनवे, फिलिप्स, सेंटनर सब के सब गए हुए हैं IPL खेलने, तो न्यूजीलैंड थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने वाली है इस बार पाकिस्तान के सामने। अब बढ़ते हैं आगे न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड ने अपनी लास्ट सीरीज़ आप देखोगे खेली थी श्रीलंका के साथ ODI, और श्रीलंका हम सबको पता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमज़ोर टीम है, और खेली भी न्यूजीलैंड ने अपने ही ग्राउंड पर थी, तो श्रीलंका का टूर था न्यूजीलैंड का। तो देखोगे लास्ट मैच में श्रीलंका 157 बनाता है 10 विकेट्स के नुकसान पर 41.3 ओवर में। तो आप ये स्कोर देखो एक बार, 157 10 विकेट्स के नुकसान पर, 157 ना T20 में बनाए जाते हैं स्कोर, वो भी 41.3 ओवर, कितने ज़्यादा
ज़्यादा ओवर में इन्होंने सिर्फ T20 वाला टारगेट दे दिया, और T20 में भी इतना चेज हो जाता है, और वही हुआ, न्यूजीलैंड ने चेज कर लिया 32.5 ओवर में 4 विकेट्स के नुकसान पर, और ये मैच न्यूजीलैंड जीत गई थी 6 विकेट से। न्यूजीलैंड के सीडन पार्क हैमिल्टन पर यह मैच खेला गया था। इससे पहले आप देखोगे बैटिंग फर्स्ट करती है न्यूजीलैंड, 274 का टारगेट देती है 10 विकेट्स के नुकसान पर, और श्रीलंका तो ऑल आउट हो जाता है 76 पर ही 19.5 ओवर में। न्यूजीलैंड ये मैच 198 रन से जीती है ईडन पार्क ऑकलैंड में। तो आप देख सकते हो एक चीज़ कि श्रीलंका ने तो ना T20 के ही हिसाब से ये मैच खेला था, और न्यूजीलैंड, आप देखोगे न्यूजीलैंड को कहीं ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं इनके ग्राउंड पर भी, क्योंकि देखोगे एक मैच में 157 दिया टारगेट, वहीं सेकेंड मैच में इनकी अगर बात करोगे तो 274 इन्होंने बनाया। तो न्यूजीलैंड का मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था इन्होंने ODI में, क्योंकि इन्होंने भी ना जहाँ पर इनको बैटिंग करने का मौका मिला 274 ही बनाए 10 विकेट्स के नुकसान पर। ये थोड़ा सा और स्कोर बनाते ना अगर 280 प्लस का, फिर मैं बोलती कि हाँ अच्छा खेली न्यूजीलैंड, बट 274 का ही टारगेट बनाया इन्होंने, और वहीं आप देखोगे 10 विकेट्स तो इनकी चली ही गई थी। तो न्यूजीलैंड भी कुछ खास कमाल नहीं खेली थी, बस ये था श्रीलंका थी सामने तो वो मैचेस जीत गई न्यूजीलैंड। वहीं उससे पहले आप देखोगे इंडिया के सामने जब बात आई न्यूजीलैंड की, तो ये मैच हारिया यहाँ पर न्यूजीलैंड, क्योंकि इंडिया ने तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए दे दिया 385 का टारगेट 9 विकेट्स नुकसान पर, और न्यूजीलैंड आप देखोगे 295 पर 10 विकेट्स गंवाता है और हार जाता है ये मैच 90 रन से। होलकर क्रिकेट स्टेडियम पर ये मैच खेला गया था। तो इसमें आप देख रहे हो ये होता है एक 50 ओवर का स्कोर जो इंडिया ने बनाया है 385 रन, तो मतलब लगभग 400 तक पहुंच ही गई थी टीम हमारी। तो आप देख रहे हो 50 ओवर में ना हम ये स्कोर एक्सपेक्ट करते हैं, ना कि देख सकते हो 157 और 280। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, श्रीलंका के सामने खेली थी तो मैच जीत गई, लेकिन अगर इंडिया के सामने खेल लिया तो देख सकते हो कुछ ज़्यादा कमाल का परफॉर्मेंस नहीं किया है न्यूजीलैंड ने यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पलड़ा भारी यहाँ पर पाकिस्तान का ही रहने वाला है, बेशक अपने जो है ODI मैचेस हार गई थी लास्ट में, बट इस समय यहाँ पर न्यूजीलैंड कमज़ोर है। एक तो इनके प्लेयर्स नहीं है, ऊपर से आप देखोगे कि रन्स बन रहे नहीं हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स से जो अभी अवेलेबल है, जो अभी खेल रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पर टीम कंपैरिजन की बात करते हैं ODI फॉर्मेट से। तो यहाँ पर आप देखोगे पाकिस्तान ने 10 में से 80% मैचेस जीते हैं अपने ODI में, एवरेज इनका 249 है, हाईएस्ट 314 है। वहीं अगर न्यूजीलैंड की बात करोगे तो 10 मैचेस में से 50% मैचेस जीते हैं, एवरेज 252 है और हाईएस्ट है 337 यहाँ पर। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करोगे कि बेशक यहाँ पर न्यूजीलैंड का ना स्कोर ज़्यादा है एवरेज और हाईएस्ट भी, लेकिन अब यहाँ पर मैच होने वाला है ये पाकिस्तान के ग्राउंड पर, तो पाकिस्तान तो स्ट्रांग रहने वाले ही, अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है। वहीं 80% मैचेस इन्होंने जीते हैं यहाँ पर ODI में, और यहाँ पर पाकिस्तान ने 50%, तो कहीं ना कहीं विनिंग प्रेडिक्शन भी पाकिस्तान का ज़्यादा है। और वहीं अगर ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड भी इनका है, घर भी इनका है, और प्लेयर्स भी इन्हीं के इस समय पर चल रहे हैं। न्यूजीलैंड से ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, इतना अच्छा नहीं कर पाएगी। बेशक लास्ट मैच में मार्क चैपमैन ने जो है सेंचुरी बना दी थी, बट एक मैच में एक प्लेयर अगर सेंचुरी बना देना तो उससे कुछ नहीं होएगा, क्योंकि हमने देखा था हैदराबाद के लिए भी हैरी ब्रुक ने एक बार सेंचुरी बना दी थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हैरी ब्रुक फिर बाकी के मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो दे नहीं पाए, और हैदराबाद की परफॉर्मेंस फिर वैसी की वैसी ही हमें नज़र आई, जो ऐसी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। और वैसा ही यहाँ पर न्यूजीलैंड के साथ भी है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर मार्क चैपमैन ने बेशक लास्ट जो 50-20 हुआ वहाँ पर 100 रन बनाए, लेकिन हर मैच में उन्होंने 100 रन किया, हर मैच में उन्होंने जो है ना 50 भी नहीं बनाए हैं। तो हर मैच में आप देखोगे 20-30 इतना ही एवरेज स्कोर दिया है, तो एक मैच में 100 बना दे अगर एक प्लेयर तो वो कुछ ज़्यादा खास नहीं हो जाता है। बेशक वो मैच वो जीत जाएंगे, उसमें उनकी हेल्प हो जाएगी, बट उससे ये प्रूफ नहीं होता कि आगे के मैचेस में वो भी ऐसा ही खेलेंगे और वो टीम की अपनी हेल्प करेंगे। तो वहीं अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ अगर हम जाएँ ना, तो एक मैच में अगर आप देखोगे रिजवान अच्छा खेलते हैं, बाबर अच्छा खेलते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों अच्छा नहीं खेलते ना तो इनके पास और प्लेयर हैं, जैसे सैम अयूब है, फ़हीम अशरफ है, इफ्तिकार अहमद है, ये सब भी हैं यहाँ पर जो स्कोर बना सकते हैं अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं चलते। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ऐसा नहीं है, इनके पास एक प्लेयर चलेगा ना तो वही चलता है, बाकी के प्लेयर्स तो ऐसे ही नॉर्मल रहते हैं, कुछ ज़्यादा खास करते ही नहीं, या तो 0 पे आउट होंगे या तो 20 से कम ही रन बना के देके जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पर ODI में भी जो है पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहेगा और न्यूजीलैंड का थोड़ा सा हल्का ही रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि इनके प्लेयर्स यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है।
हेड टू हेड की अगर मैं बात करूँ तो हेड टू हेड में देखोगे जब भी यहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ODI मैचेस हुए हैं तो वहाँ पर न्यूजीलैंड थोड़ी सी भारी रही है। 7 मैचेस न्यूजीलैंड ने जीते हैं 10 में से और 3 जीते हैं पाकिस्तान ने। लेकिन मैच को जीतने के लिए प्लेयर्स का होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और इस समय न्यूजीलैंड के पास ऐसे प्लेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं है जो इनको ये ODI मैच जितवा सके, क्योंकि T20 में ही वो रन नहीं बना पा रहे हैं तो ODI में तो कहाँ से ही बनवा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास है इस समय पर ऐसे प्लेयर्स जो स्कोर बना के दे, क्योंकि इनके प्लेयर्स कहीं नहीं गए हैं, इनके वही कंसिस्टेंट प्लेयर हैं जो अच्छा खेलते हैं अपनी टीम के लिए। बट न्यूजीलैंड के पास ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड के पास नहीं है प्लेयर्स इस समय पर। तो न्यूजीलैंड बेशक यहाँ पर जो है थोड़ा सा हेड टू हेड में ऊपर है, बट पाकिस्तान यहाँ पर जो है अपने ग्राउंड पर है, अपने प्लेयर्स के साथ है, वहीं न्यूजीलैंड अपने ग्राउंड पर भी नहीं है और इनके पास इनके प्लेयर्स भी नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो लास्ट मैच में आप देखोगे मोहम्मद रिजवान ने देखो 98 रन्स बना दिए थे, कमाल का खेले थे, उससे पहले 6 ही रन बनाए थे, उससे पहले 50 रन्स। तो आप देख रहे हो मैं आपको यही बता रही थी कंसिस्टेंसी, ऐसा नहीं है कि सब के सब कंसिस्टेंट है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखो मोहम्मद रिजवान ने जहाँ पर 98 बनाए हैं वहाँ पर बाबर आजम ने कुछ खास नहीं किया, 19 ही बनाए थे, उससे पहले 1 रन, उससे पहले 101। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर बेशक यहाँ पर बाबर आजम लास्ट मैच में नहीं चले पर मोहम्मद रिजवान चले और उन्होंने 98 रन्स बना दिए। वहीं नेक्स्ट अगर सैम अयूब की बात करूँ लास्ट मैच में देखो 0 पे आउट, उससे पहले 10 रन, उससे पहले 0 रन। तो लास्ट के 3 मैचेस में तो कुछ खास कमाल नहीं किया है, बट हाँ सैम अयूब काफ़ी अच्छा खेलते हैं और अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब ODI में खेलेंगे तो हो सकता है थोड़ा आराम से खेले, विकेट बचा के खेले तो रन्स बनाते हुए हमें नजर आएंगे। ये भी इफ्तिकार अहमद ऑलराउंडर लास्ट मैच में देखोगे 36 रन बनाए हैं 22 बॉल्स पे, उससे पहले 60 रन 24 बॉल पे, उससे पहले 33। तो यही बात करी थी, बेशक आप देखोगे बाबर आजम ने रन नहीं बनाए थे यहां पर, लेकिन इफ्तिकार अहमद ने भी 36 रन दे दिए थे बना के, उससे पहले भी 60 रन उन्होंने बनाए थे, उससे पहले 33। तो यही बात है पाकिस्तान की टीम में कि अगर इनके 1-2 प्लेयर ना भी चले ना तो बाकी की टीम है संभालने के लिए, वो रन बना के दे देंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के साथ ऐसा नहीं है। इफ्तिकार अहमद की बॉलिंग देखोगे तो लास्ट मैच में 1 विकेट भी निकाली है, 19 रन दिए, उससे पहले विकेट नहीं निकाल पाए थे, लेकिन सिर्फ 4 ही रन दिए थे। फ़खर जमन की अगर मैं बात करूं लास्ट मैच में देखोगे 17 रन्स बनाए 22 बॉल्स में, वहीं आप देखोगे उससे पहले 0 पे आउट, उससे पहले 47 रन्स। तो फ़खर जमन से जो है काफ़ी अच्छा आज के जो ODI मैच होने वाला है ये, उसमें अच्छा खासा उनसे परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि वो परफॉर्मेंस देंगे यहाँ पर, लॉन्ग फॉर्मेट में काफ़ी अच्छा खेलते हैं वो। शादाब खान ऑलराउंडर है, वहीं देखोगे लास्ट मैच में 16 रन्स 19 बॉल्स पे, उससे पहले 5 रन, उससे पहले 28 रन्स। तो देख रहे हो यहाँ पे हर प्लेयर, मैं ये नहीं बोल रही कि कंसिस्टेंट हर मैच में स्कोर बनाते ही बनाते हैं, लेकिन इनके टीम में ये है कि अगर एक प्लेयर नहीं बनाएगा ना तो उनकी जगह दूसरा बना देगा यहाँ पे। वहीं आप देखोगे शादाब खान की बॉलिंग, दोनों मैचेस में विकेट नहीं निकाल पाए थे। फहीम अशरफ की बात करोगे लास्ट मैच में देख सकते हो 1 बॉल पे 1 ही रन, क्योंकि डाउन पोजीशन पर आते हैं तो इतना ही खेल पाए थे, 1 ही बॉल मिली थी इनको खेलने के लिए, वही खेली थी इन्होंने, उससे पहले 22 रन, उससे पहले 2 रन। उससे पहले आप विकेट की अगर बात करोगे तो विकेट ये दोनों मैचेस में नहीं निकाल पाए थे अपने। इमाद वसीम की बात करूँ तो लास्ट मैच में 31 रन, वो भी सिर्फ 14 बॉल्स में, तो देख सकते हो कमाल का परफॉर्मेंस, 14 में 31 काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। वहीं आप देखोगे कि यहाँ पर उससे पहले 3 रन 2 रन, और वहीं बॉलिंग काफ़ी कमाल कर रहे हैं, 2 विकेट 3 विकेट निकाली है। तो इमाद वसीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं यहाँ पर। हैरिस रॉफ हैं, लास्ट मैच में विकेट नहीं निकाल पाए थे 4 ओवर में, लेकिन कोई बात नहीं, हैरिस रॉफ ने 3-3 4-4 विकेट निकाली है पाकिस्तान की टीम के लिए। अगर एक मैच में नहीं भी निकालते ना तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हैरिस रॉफ ODI में तो विकेट निकालेंगे ही निकालेंगे। वहीं आप देखोगे उससे पहले दोनों मैचेस में 1-1 विकेट निकाली है। वहीं शाहीन अफरीदी काफ़ी समय बाद फॉर्म में नजर आए, क्योंकि लास्ट मैच में आप देखोगे 2 विकेट्स निकाली 4 ओवर में, वहीं 48 रन दे दिए, रन थोड़े से ज़्यादा दिए पर चलो कोई बात नहीं, 2 विकेट तो निकाल ही ली थी। उससे पहले दोनों मैचेस में देखोगे 1 विकेट 2 विकेट निकाली है। तो बहुत समय बाद शाहीन का हमें ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर भी आप देखोगे 48 रन दे दिए, जो थोड़े से ज़्यादा हम बोलेंगे, क्योंकि आप देखोगे लास्ट मैच वैसे भी जीत ही गई थी न्यूजीलैंड, और वहीं 4 ओवर में 48 रन ना कहीं ज़्यादा ही रहते हैं। बट कोई बात नहीं, शाहीन अफरीदी अपनी फॉर्म में धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, क्योंकि बीच में तो आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे थे, कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पा रहे थे।
तो ये हो गई पाकिस्तान की प्रोबेबल प्लेइंग 11। मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान के साथ ऐसा है कि अगर कोई प्लेयर रन नहीं बनाना तो उनकी जगह दूसरे प्लेयर बनाएंगे रन, पर आपको रन ज़रूर बनाती हुई दिखेगी यहाँ पर पाकिस्तान की टीम। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। चैट बॉब्स राइट हैंड बैट्समैन है, लास्ट मैच में देखोगे 19 रन ही बना पाए थे और उससे पहले 54, उससे पहले 7 रन, तो कंसिस्टेंसी देख सकते हो कुछ ज़्यादा खास कमाल तो है नहीं यहाँ पर। टॉम लैथम लास्ट मैच में तो 0 पर ही आउट हो गए थे, उससे पहले 13 रन, उससे पहले 64। तो आप एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पर, मैं आपको यही बता रही थी पहले कि ओपनिंग तो कुछ खास यहाँ पर हुई नहीं थी, क्योंकि आप देखोगे चैट बॉब्स 19 रन, टॉम लैथम 0 पे आउट, मिचेल की बात करोगे तो 15 रन इन्होंने बनाए थे, उससे पहले 3 रन, उससे पहले 33। बॉलिंग का मौका ना ड्रेल मिचेल को मिलता नहीं है, वरना मैं तो चाहती हूँ न्यूजीलैंड बॉलिंग का मौका दे ड्रेल मिचेल को, क्योंकि आप देखोगे जब बॉलिंग कराते हैं ना तो विकेट ये निकालते ही निकालते हैं, बट मौका उनको देती नहीं है, बैटिंग में देती है और बैटिंग में हर बार कमाल नहीं कर पाते हैं। ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल रन नहीं बनाते हैं, बट हर बार नहीं बना पाते हैं, अदरवाइज बना देते हैं, अच्छा खेलते हैं। एक मैच में तो इन्होंने 60 रन भी बना के दिए थे टीम को, तो हाँ थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में कमी है, बट हाँ काम आते हैं टीम के, अच्छा खेलते हैं। जिमी निशम देखोगे 45 रन बनाए हैं लास्ट मैच में 25 बॉल्स पे, उससे पहले 10 रन, उससे पहले 1 रन। वहीं लास्ट मैच में बॉलिंग कराई थी 3 ओवर, विकेट नहीं आई थी, उससे पहले 3 ओवर, उससे पहले आप देखोगे 3 विकेट इन्होंने निकाली थी। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिमी निशम यहाँ पर, क्योंकि बहुत टाइम बाद इनके बल्ले से हमें जो है रन बनते हुए नजर आए, वो भी लास्ट मैच में 25 में 45, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। वहीं विल योंग की बात करूँ तो विल योंग को बैटिंग में ही मौका दिया जाता है, बॉलिंग में ज़्यादा नहीं दिया जाता। वहीं आप देखोगे बैटिंग में मौका मिलता है बस, उसमें भी कुछ खास कमाल नहीं कर रहे हैं, 10 से 20 का ही एवरेज स्कोर देते हैं, इससे ज़्यादा तो अब तक देखा नहीं है इतने बैट से हमने। मार्क चैपमैन की मैं आपसे बात कर ही रही थी कि लास्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी बना दी थी, उससे पहले 71 बनाए थे, उससे पहले 16 बनाए थे। तो मार्क चैपमैन अच्छे यहाँ पर प्लेयर साबित हो रहे हैं टीम के लिए, क्योंकि रन्स बना के दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर, लास्ट के बेशक 2 मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उससे पहले भी 9 बॉल में 16 रन कोई बुरी बात नहीं है, बट उसमें जल्दी आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है यहाँ पर, मार्क चैपमैन अब 50 ओवर के मैच में खेलने वाले हैं, तो थोड़ा सा ये स्लो खेलेंगे, विकेट बचा के खेलेंगे, तो रन्स बना के को हम रन्स बना के हमें देंगे जरूरी है। वही बॉलिंग ये कुछ ज्यादा खास नहीं करा पाए थे, विकेट नहीं निकाल पाए थे, बट हाँ बैटिंग में काफी हेल्प कर रहे हैं, तो लास्ट के 2 मैचेस में फॉर्म में आ गए हैं, तो रन्स बनाते हुए नजर आएंगे अभी न्यूजीलैंड की तरफ से। रचिन रविंद्र की बात करो, रन्स तो इनके बैट से कुछ खास हमें नजर आए नहीं है, लास्ट मैच में बॉलिंग में भी विकेट नहीं निकाल पाए थे, उससे पहले 2 विकेट इन्होंने निकाली थी। ब्लेयर टिकनर राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हमारे, लास्ट मैच में खेले थे ये पाकिस्तान के खिलाफ ही, जहां पर इन्होंने 3 विकेट निकाली थी। वहीं उससे पहले आप देखोगे विकेट नहीं निकाल पाए थे, उससे पहले 2 विकेट निकाली थी। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो T20 मैचेस खेले गए ना, उसमें इन्हें बस लास्ट मैच में ही जो है खिलाया गया था, उससे पहले इन्हें मौका नहीं दिया गया था। और वहीं लॉन्ग फॉर्मेट में तो ये काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हैं, तो ODI में इनको लिया जाएगा। इश सोदी की बात करूँ तो हर मैच में एक एक विकेट निकाल के दिया, तो अच्छे खासे प्लेयर हैं, हम सबको पता है काफ़ी अच्छा खेलते हैं, तो इनको तो देख सकते हो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, हर मैच में विकेट निकाल ही निकाल रहे हैं। एडम मिलने की बात करूँ, लास्ट मैच में बेशक विकेट नहीं निकाला, लेकिन उससे पहले आप देखोगे 2-2 विकेट निकाले हैं, और उससे पहले 3-3 विकेट भी निकाले हैं पाकिस्तान के खिलाफ ही। तो एडम मिलने न्यूजीलैंड से और हैरिस रॉफ पाकिस्तान से, बेशक से दोनों लास्ट के अपने दोनों मैचेस में नहीं, लास्ट के अपने एक मैच में नहीं चले दोनों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे हमें। नेक्स्ट है हमारे पास मैट हेनरी, लास्ट मैच में देखोगे 1 विकेट निकाली है, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 3 विकेट। तो अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ ना, तो बॉलिंग यहाँ पर न्यूजीलैंड की काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप देखोगे मैट हेनरी, एडम मिलने, इश सोदी, ब्लेयर टिकनर, सबके सब अच्छी खासी बॉलिंग कराते हैं, और ड्रेल मिचेल को मौका दिया जाएगा तो ड्रेल मिचेल भी अच्छी बॉलिंग कराएंगे यहाँ पर, जिम्मी निशाम भी करा लेते हैं, बट हाँ कब इनकी बॉलिंग में थोड़ी सी कंसिस्टेंसी कमी है। सचिन रविंद्र भी विकेट निकाल लेते हैं, बट इनका थोड़ा सा ना कंसिस्टेंट नहीं होता, कभी कभी निकालते हैं, कभी नहीं निकालते हैं, क्योंकि बैटिंग में तो कुछ करते ही नहीं है, करते हैं तो बॉलिंग में ही करते हैं, अदरवाइज तो फिर ऐसे ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड की हमने बात की है, बेशक आप देखोगे मार्क चैपमैन यहाँ पर फॉर्म में आ गए और लास्ट के 2 मैचेस से फॉर्म
अच्छा मेंटेन किया हुआ है, रन्स बना के दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं इनको ज़रूर टारगेट करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें पता चल गया है कि मार्क चैपमैन ही ऐसे हैं ना जो उनको अब हरा सकते हैं, क्योंकि ये जब रन बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रन बना रहे हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं टारगेट करने वाली है पाकिस्तान जब भी मार्क चैपमैन खेलने आएंगे, तो इनको थोड़ा सा संभल कर अब तो खेलना पड़ेगा। वहीं अगर ओपनिंग की बात करोगे तो टॉम लैथम वैसे तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, चैट बॉक्स भी अच्छा खेल लेते हैं, बस इनकी परफॉर्मेंस में ना कंसिस्टेंसी थोड़ी सी कम है, बस ये है कि पाकिस्तान इनको टारगेट कर देता है तो ये विकेट अपनी गवा के चले जाते हैं, अदरवाइज जब थोड़ा सा बचा के रुक कर खेलते हैं ना तो काफी अच्छा खेल जाते हैं और रन्स भी बना के दे जाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गए न्यूजीलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो विकेट कीपर में लेंगे मोहम्मद रिजवान को, कैप्टन भी मोहम्मद रिजवान को बनाएंगे, बैटर्स में बाबर आजम और चैट बॉक्स को लिया है, ऑलराउंडर्स में इफ्तिकार अहमद, ड्रिल मिचेल, इमाद वसीम और मार्क चैपमैन को लिया है, बॉलर्स में हैरिस रॉफ, एडम मिलने, मैट हेनरी और शाहीन अफरीदी। हैरिस रॉफ को वाइस कैप्टन भी बनाया, तो देख सकते हो पाकिस्तान के दोनों प्लेयर्स को हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाया, तो इंपॉर्टेंट रहने वाली है पाकिस्तान की टीम, यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से। तो ये है हमारी ड्रीम 11 टीम, क्योंकि सबकी फॉर्म तो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताई ही प्लेइंग 11 में जब हमने बात करी, तो आप सबको पता चल गया कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है एक दूसरे के सामने अभी, क्योंकि लास्ट में ही अभी T20 ही खेल के आए हैं और ज़्यादा चेंजेस टीम में अभी होंगे नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास तो प्लेयर्स हैं नहीं, वहीं पाकिस्तान की टीम भी अच्छी खासी चल रही है, तो ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे यहां पर। तो ये हो गई हमारी ड्रीम 11 टीम। और एक और चीज बता देती हूं कि जब टॉस अपडेट होता है, फाइनल प्लेइंग 11 आती है और प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होते हैं ना, तो एक और ड्रीम टीम शेयर कर देते हैं हम आपके साथ टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। आगे बात करते हैं यहाँ पर टॉस प्रिडिक्शन की, तो यहाँ पर देखोगे बैटिंग फर्स्ट करते हुए 40% मैच जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करते हुए 20%, टोटल 10 मैचेस खेले गए हैं, तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट हम दे सकते हैं बैटिंग फर्स्ट करते हुए, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी ना यहाँ पर वो बैटिंग फर्स्ट चूज करने वाली है, क्योंकि हम सबको पता है चेजिंग करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल हो ही जाता है, और बैटिंग फर्स्ट करेंगे 50 ओवर का मैच है, लंबा जाने वाला है पता है, तो बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि थोड़ा सा एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई रहता है, क्योंकि तब तो स्टार्ट हुआ ही होता है गेम, तो बैटिंग फर्स्ट में यहाँ पर ज़्यादा फायदा होने वाला है, और जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग फर्स्ट यहाँ पर चूज करने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं विनिंग प्रेडिक्शन की, तो पूरा का पूरा मार्केट लोड पाकिस्तान पर है और पाकिस्तान का अपर हैंड रहने वाला है इस मैच में, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पलड़ा भारी है यहाँ पर, क्योंकि हम सब ने देखा है कि पाकिस्तान के पास प्लेयर्स हैं जो रन्स बना सकते हैं और ऐसे बॉलर्स भी हैं जो विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आधे तो IPL में बिजी है और आधे जो यहाँ पर है वो कंसिस्टेंट नहीं है कहीं ना कहीं। तो गाइज़ ये थी फर्स्ट ODI की मैच प्रेडिक्शन पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।